नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेंडशिप डे क्यों मनाया जाता है इस बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों की टोली, पुराने दिनों की यादें और नए दिन की ताजगी, साथ में एक उपहार। फ्रेंडशिप डे पर इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। रविवार को आने वाले इस खास मौके के लिए शनिवार को बाजार में खूब खरीदारी होती है। सच्चे दोस्तों की याद में हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अक्सर ही इस दिन को लेकर लोग चंद सवाल पूछते दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप डे कब से शुरू हुई और सबसे पहले कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। वही आपको कुछ ऐसी भी कहानियाँ बताएंगे जिनके आधार पर फ्रेंडशिप डे की शुरुआत हुई ऐसा दावा किया जाता है। फ्रेंडशिप डे की शुरुआत साल 1935 में अमेरिका से हुई थी। कहा जाता है कि अगस्त के पहले रविवार को अमेरिका सरकार ने एक व्यक्ति को मार दिया था, जिसकी याद में उसके एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली। माना जाता है कि इसके बाद से ही सरकार ने उस दिन से अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप बैंड न हो ऐसा नहीं हो सकता, इसकी भी खूब खरीदारी होती है। दोस्तों को खुश करने उनके नाम का लिखा हुआ बैंड भी आजकल लोग गिफ्ट देते हैं और डिजिटल बैंड का भी आजकल दौर आ चुका है। दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए अभी भी कार्ड का क्रेज़ खूब है। भले ही व्हाट्सएप वह डिजिटल कार्ड मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर पहुंचते हैं, लेकिन हाथ से लिखा हुआ कार्ड का अलग ही मज़ा है, अलग ही क्रेज़ है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कैसे शुरुआत हुई फ्रेंडशिप डे की इस बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।